लोकसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कभी बीएसपी का गढ़ रही अंबेडकर नगर लोकसभा सीट एसपी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। जातीय समीकरणों के मकड़जाल में उलझी इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने जहां इतिहास बचाने की चुनौती है, वहीं एसपी प्रत्याशी के सामने इतिहास बनाने की चुनौती है। इस सीट पर दो सियासी परिवारों का रसूख दांव पर लगा है। 2024 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए रितेश पांडे बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं एसपी ने 6 बार के विधायक और पिछड़ों के नेता के रूप में मशहूर लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी खेल को दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी ने यहां कमर हयात अंसारी को चुनावी अखाड़े में उतारा है। दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोटों की बहुलता वाली सीट पर मुस्लिम किधर जाएंगे, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। किन मुद्दों के इस आधार पे इस बार वोट करने आप लोग जा रहे हैं? 25 तारीख को वोटिंग है, तैयारी हो गई है आप लोगों की, सोच लिया है क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ नहीं, कोनो मुद्दा नहीं भैया, आंख बंद करके बस वही समाजवादी में डलवे। किसमें? समाजवादी में डलवे। अच्छा, गठबंधन? हाँ, बस आंख बंद करके डालेंगे, कहीं और ना चला जाए। चला जाए, चला जाए, आंख बंद करके डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खड़े थे? ठीक ठीक, बस बस जो इन्होंने कहा है हमारा जाता है वही पर है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विकास की दावे बहुत सारी पार्टियां करती रही हैं। इससे पहले आप देखिए बीजेपी ने कहा कि हमने बहुत अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है देश में। कोई काम नहीं किया। हाईवे कहते बना दिया हमने, सौभाग्य योजना दे दी हमने, आयुष्मान योजना दे दी, तमाम योजनाओं का नाम गिराते हैं, वो कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से क्या आपके लिए बेहतर नेता होगा, किस पार्टी का नेता बेहतर होगा, काम करेगा? अलायंस, बस इंडिया अलायंस, बस गठबंधन आप कह रहे हैं बेहतर होगा आपके हिसाब से? क्या भाई, इंडिया गठबंधन आपके हिसाब से? हुजूर, क्या इंडिया गठबंधन? नाम क्या है सर आपका? अहमद। ये बताइए कि अंबेडकर नगर का विकास हुआ है, रोड बनी, नाले बने, लाइट अब बेहतर होती है कि नहीं होती? लाइट वाइट तो बहरहाल रहती है। प्रधानमंत्री कौन हो सकता है आपके लिए बेहतर? प्रधानमंत्री तो जो है वो कांग्रेस वाला ही होगा बेहतर। राहुल गांधी तो पूरा गठबंधन वाला। हाँ, मोदी जी कैसे लगते हैं? लोग देश को लेके चल रहे हैं, वो अपना ये कास्ट को लेके चल रहे हैं मोदी जी। रितेश पांडे तो कह रहे हैं कि भैया बहुत विकास किया इस क्षेत्र में हमने। रितेश पांडे बीएसपी में सिवाय सांसद के और कुछ भी नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पहले उनको वोट देकर जिता दिया। लेकिन हकीकत ये है कि विकास किसको बोलते हैं, जब रोजगार सबके पास मौजूद हो जाए। पावर लूम का कारोबार भ्रष्ट हो गया, बिजली की प्रॉब्लम बहुत है। पावर लूम में जो 65 रुपए की बिजली थी वो 450 रुपए का। अरे भाई, अब ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में घरेलू बिजली बिल की जो कीमत है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। 90 के दशक में बीएसपी का गढ़ रही इस सीट पर 2012 में बीएसपी का शिकंजा कमजोर होने लगा और 2014 में बीजेपी ने ये सीट निकाली, लेकिन 2019 में बीएसपी ने इस पर फिर कब्जा कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीएसपी के रितेश पांडे 5,64,118 वोट पाकर विजयी रहे, वहीं बीजेपी के मुकुट बिहारी को 4,68,238 वोट मिले थे। लेकिन इस बार रितेश पांडे बीजेपी के खेमे में है, ऐसे में बड़े मियां किधर जाएंगे, ये सवाल हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। अंबेडकर नगर किधर जाता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चुनाव करीब आ चुका है, 25 तारीख को वोटिंग। जी देखिए, इस समय मुद्दा सबसे बड़ा है संविधान बचाने का। संविधान बचाने का जो मुद्दा है, संविधान खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने कही दिया है, जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी कहा है, और दो एक उनके नेता ने कहा है कि हम इतना सीट पा जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। समाजवादी पार्टी जो है दबे कुचलों के साथ है, कांग्रेस पार्टी दबे कुचलों के साथ है, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे आज राहुल गांधी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों। बड़ी संख्या में यहाँ टांडा में रहते हैं, क्या वो विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भैया इस बार भी धर्म की राजनीति होगी, जिस तरह से अब पहले जातिवाद के आधार पर लोग वोट डालते रहे? माननीय मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। इस नारे के तहत सभी समाज के लोगों का विकास किया जा रहा है, सभी योजनाओं से सभी आच्छादित भी हो रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का हो गया, या जो भी योजनाएं हैं उसमें मुस्लिम भाइयों को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। मुस्लिम विकास ही हमारा मुद्दा है, और हम इस चुनाव में विकास के ही मुद्दे पे हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, ये पूरी तरह से निराधार बातें हैं, और जिन्होंने एग्जाम्पल दिया
उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था उसको काट छाड़ के पेश किया गया है, जो कि पूरी बात उन्होंने जो कही उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई बातें नहीं कही गई। मुसलमान खासतौर पर मुस्लिम समुदाय जो है वो बड़ी संख्या में माना जाता है कि भैया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ ही रहा है, वो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। देखिए मुसलमान यहाँ टांडा शहर के मुसलमानों का ये कहना है, बाकी भी मुसलमान अक्सरियत में ये कि मुसलमानों को यूज़ किया गया, यूज़ एंड थ्रो सिस्टम हो गया, जैसे एक पेन आती 3 रुपए की, इस्तेमाल किया फेंक दिया। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर करीब 18,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 4 लाख दलित, 3,70,000 मुस्लिम, 1,78,000 कुर्मी, 1,70,000 यादव, 1,35,000 ब्राह्मण और करीब 1,00,000 ठाकुर मतदाता हैं। दलित और मुस्लिम यहां का पूरा सियासी गणित बदलने का मादा रखते हैं। युवाओं को क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को जरूरत है रोजगार की। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, युवा यहाँ के परेशान हो चुके हैं, तो हमें रोज़गार चाहिए बस। और रोजगार क्या करते हैं वैसे आप? अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है, मतलब पास आउट होकर के आपको अपना रोजगार? जी, हमको अब अपना रोजगार चाहिए। कौन सी पार्टी या कौन सा नेता आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी का ये गढ़ माना जाता है, अब यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? जी, हमको यही राहुल गांधी साहब का, जो राहुल गांधी जी हमारे जो है हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, उन्होंने ही कहा है कि इस बार 30 लाख नौकरियों का हम अपॉर्चुनिटी देंगे, तो हम 1 लाख खटाखट जी 1 लाख खटाखट वही आप इंतजार कर रहे हैं क्या, खटाखट वाला? नहीं, हमें उसका इंतजार नहीं, हमें बस ये है कि हमें नौकरी चाहिए। टांडा में कौन किसका तांगा चल रहा है? रितेश पांडे जी का चल रहा है, नंबर एक पे चल भी रहे हैं। रितेश पांडे जी पहले बीएसपी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, आप भी उनके साथ बदल गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि वो पहले बीएसपी में थे, मगर चूंकि ऐसा है कि कुछ काम रह गया। अच्छा। अभी मतलब वो काम करने के लिए अब सरकार। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है समझ गए, जब प्रत्याशी अपना पाला बदल लेता है यानी कि पार्टी बदल लेता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, ये कहना कि आम आदमी है, आम आदमी अब रह नहीं गया है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित रहता है, तो आप लोग के दिमाग में क्या चलता रहे यार, कहाँ से कहाँ आ गए, पहले कहाँ थे, पहले यहाँ? नहीं देख, दिमाग चलता है? दिमाग चलता है, और कहने का मतलब ये कि जो हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे विकास किया है, आवास वगैरह ऐसे तमाम स्कीमें हैं जो गरीबों को मिल रही है। मकान मिला? हाँ जी जी, सब मकान मिला। ये बताइए राशन वाशन की तमाम योजनाएं चल रही थी, वो चली? सब मिल रही है, सबको मिल रही है और आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है और मिलती रहेगी। मुसलमानों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा? नहीं जी, नहीं नहीं, सबका साथ सबका विश्वास। पिछली बार तो 8% गए थे मुसलमान सिर्फ बीजेपी के साथ, अब की तो उससे ज्यादा रहेंगे, उसका कम तो नहीं हो रहा? कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अम्बेडकर नगर की बुनकर नगरी के रूप में अलग पहचान है, बुनकर उद्योग यहाँ की जान है, पावर लूम अब पावरफुल हो गए हैं। हमने बुनकरों से उनके धंधे से लेकर चुनावी माहौल तक पर चर्चा की। इस समय मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में, और अम्बेडकर नगर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन कारोबार किस तरह का चल रहा है? दरअसल ये जो आप पूरी फैक्ट्री देख रहे हैं, ये लूम है, पावर लूम, जिससे आपके कपड़े, तमाम तरह के जो धोती हैं, कुर्ते हैं, ऐसे तमाम कपड़े जो हैं यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। पहले ये हाथों से मशीनें चलाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और ये अब ऑटोमेटिक मशीनें जो हैं बड़ी संख्या में आपको पावर लूम जिसे कहा जाता है वो आप देख सकते हैं। तो इस बार का सियासी मुद्दा व्यापार भी होगा, जो बेहतर व्यापार करके के लिए काम करेगा उसको चुना जाएगा। भाई ये बताइए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यही हम लोगों का कारोबार है सर, ये पावर लूम का कारोबार है। दादा पुरखों से पावर, पहले दादा परदादा थे तो हाथ करगा चलाते थे, उसके बाद समय बदलते बदलते ये व्यापार कैसा चल रहा है इस बार, अभी कैसा, किस तरह से आप लोग काम कर पा रहे हैं, सरकार आप लोगों को मदद कर रही है नहीं कर रही है? व्यापार तो बहुत ख़राब है साहब। हाँ, बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब। बुनकरों के लिए कहा जाता था पहले कि 64 रुपये के हिसाब से जो है आपका बिजली का बिल सब्सिडी हुआ करता था एक तरह से, अब कितना पैसा है? अब मौके पे 450 रुपये पर लूम एक महीने की बिजली बिल। 450 रुपये पर लूम, पहले कितना था ये? पहले 65 रुपया था। 65 रुपया था। हाँ। किस तरह से इस बार की सरकार आप देख रहे हैं? 2024 का इलेक्शन आ गया, वोट तो डालने जाएंगे ना आप?
हाँ वोटो डालने जाएंगे। तो क्या लग रहा है, कौन किस तरह की सरकार आप चुनना चाह रहे हैं? अब देखिए, योगी जी मोदी जी करते हैं कुछ हम लोगों के लिए अगर आती है उनकी सरकार तो, और उसके अलावा अगर कोई दूसरे सरकार आती है तो सोचेंगे हम लोग बहुत परेशान हैं, अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते। असल में कौन उन्होंने इतना महंगा कर दिया धागा, होगा हद से ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट का हो गया, कोई मार्जिन नहीं। क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, या आप जो मोदी और योगी जी काम कर रहे हैं ठीक है? बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा था कारोबार उस हिसाब से चले तो बेहतर है, जिस तरह पहले चल रहा था। व्यापारियों को सपोर्ट मिलता है, वो आप लोग को मिल रहा है या नहीं? कोई व्यापारी सपोर्ट वोट नहीं कर रहा सर, सब अपने फायदे में रहते हैं। अब तक इस सीट पर सिर्फ ब्राह्मण प्रत्याशी का ही कब्जा रहा है, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के सामने जहां इतिहास बचाने की चुनौती है, वहीं एसपी प्रत्याशी लालजी वर्मा को इतिहास बनाने की चुनौती है, जबकि बीएसपी के सामने खोई जमीन वापस पाने की जंग है। इतिहास रहा है यहां पर बीएसपी का झंडा हमेशा से बुलंद रहा है, क्या बीएसपी अपने गढ़ को बचा पाएगी या फिर बीजेपी एक बार सेंध लगाते हुए दिखाई देगी, क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन यहां पर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 25 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख यानी 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तब इन्हीं आवाम से पता चलेगा कि आखिर किसका हाथी मजबूत रहा, किसकी साइकिल बेहतर चली या किसका कमल खिला। संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, टाडा, अकबरपुर।